अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूंगी, अगर आप इसको स्पॉन्ज की मदद से ऐसे 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 करेंगी तो ये देखिए अपनी जगह से हट गया। अस्सलाम वालेकुम वन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। क्रायलॉन पैनकेक्स से रिलेटेड जब भी मैंने वीडियो बनाई, हमेशा लोगों के जहन में कन्फ्यूजन रही कि ये ड्राई स्किन के लिए कौन से पैनकेक यूज़ किए जाते हैं और ऑयली स्किन के लिए कौन से पैनकेक यूज़ किए जाते हैं। ड्राई स्किन के लिए जो पैनकेक यूज़ किए जाते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ऑयली स्किन के लिए जो पैनकेक यूज़ किए जाते हैं उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। थंबनेल आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली जाके वॉच कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है। तो आज की जो वीडियो है वो है डेडिकेटेड फॉर ड्राई स्किन, के ड्राई स्किन अगर जो है आपकी, तो आप पैनकेक को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन वेज से इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पैनकेक्स का कंपैरिजन भी हम करके देखेंगे और इनकी एप्लीकेशन का मेथड भी चेक करेंगे। तो चले चलते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और दोनों के हैंडल्स ये रहे। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे पास दो पैनकेक हैं, एक तो है ये क्रायलॉन का, नेक्स्ट मैंने आपके लिए जो है एक मंगवाया है पैनकेक ग्लैमरस फेस का। एक तो मैं ये देखना चाहती थी कि इसकी कैसी कवरेज है, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी तक आप लेटर ऑन वीडियो में देखिएगा, आप इसको ओपन करके मैं इसका शेड आपको दिखाई देती हूँ। इसका शेड जो है वो कुछ इस टाइप का है, 2W शेड है इसका। अगर आप इसको देखें तो ये फेयर स्किन टोन जिनकी होती है उस पर काफ़ी बेस्ट जाता है ये शेड। ये पिंक अंडर टोन में है, और जो ये वाला शेड है मेरे पास ये है 38। ये जिनकी डार्क स्किन टोन होती है ये उसके लिए होता है, ठीक है। ये दोनों शेड आप साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं, इनकी जो कवरेज है वो आपको भी शो की जाती है। अच्छा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मेथड जो है वो मैं बड़ी दफ़ा आपको अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। आपने अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, आपने मॉइस्चराइज़ करना होता है, उसके बाद आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएंगी क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है। नेक्स्ट आपका स्टेप जो है वो होता है बेस एप्लीकेशन का। अगर तो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप उसको टीवी पेंट स्टिक के साथ कवर कर सकती हैं, या इसके अलावा अगर आप अफोर्डेबल साइट पे जाएं तो आप क्रिस्टीन की ले सकती हैं। मैं दोनों आपको भी यहाँ पे शो करती हूँ। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कलर करेक्टिंग करने के लिए दो तरह की प्रोडक्ट है हमारे पास, क्रिस्टीन की टीवी पेंट स्टिक है और उसके बाद मेरे पास क्रायलॉन की है। क्रिस्टीन की ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसका शेड आपको इससे भी आप बड़ा अच्छे तरीके से कॉन्ट्रोल कर सकते, सॉरी अपनी स्किन को जो है वो कर सकते हैं कंसील। ये कुछ इस टाइप का कलर है इसका, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो। पहले मैं अपनी इसका शेड रंग कलर ठीक करती हूँ। ये देखें, ये आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा। अभी इसका शेड कुछ इस तरीके से है, इसे आप अपनी कंसील कर सकते हैं एरियाज़ को, डार्क एरियाज़ को जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है, उनसे बड़ी अच्छी तरह से ये कंसील कर देता है। आपने प्रेप कर लिया अपनी स्किन को, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको कंसील करके अपने फेस को इस स्टिक से, आप देखें तो इसकी कवरेज अच्छी खासी है। ये आपकी जो भी पिगमेंटेशन है उनको बड़े अच्छे तरीके से क्रिस्टीन की जो ये टीवी पेंट स्टिक है वो कंसील कर देगी, और आपकी जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, सबको ये बड़े अच्छे से कंसील कर देगी अगर आप एक अफोर्डेबल साइट पे जाना चाहते हैं। पॉलर सीक्रेट्स में अगर आप बात करें तो इन क्रायलॉन पैनकेक्स को की एप्लीकेशन से पहले जो स्टेप होता है वो यही होता है कि उसमें कोई भी जो टीवी पेंट स्टिक है उसके साथ एप्लीकेशन की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस शेड की। ये शेड जो 36 है मेरे पास, ये भी कुछ इस टाइप का है। साइड बाई साइड आपको मैं शेड भी दिखा देती हूँ तो आपको ये आइडिया हो जाए कि किस कलर तरह के जो कंसीलिंग शेड हैं वो यूज़ होते हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से दोनों हैं, और इसको भी हम अच्छे तरीके से पिक करते हुए अपनी पिगमेंटेशन के ऊपर ऐसे लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का शेड आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से शेड है डार्क सा, इसको आप अपनी एरियाज पे लगाएंगे और अच्छे से आपकी स्किन जो है वो प्रेप हो चुकी, कंसील हो जाएगी। अब जो कलर्स की अगर हम बात करें, लाइक कौन से स्किन टोन पे कौन सा होता है, तो इस पर मैं वीडियो जो है वो साथ साथ अपनी अपलोड करती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अभी आपने किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करना है। अब हमारा सेकंड स्टेप हो गया, पहले हमने प्रेप कर लिया अपने फेस को, देन हमने इस तरह के किसी भी टीवी पेंट स्टिक के साथ अपनी स्किन को कंसील। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। चाहे आपने ब्राइडल मेकअप करना है तो आप फिर शेड की मिक्सिंग करेंगी, लेकिन अगर आप पार्टी मेकअप कर रही हैं, कैजुअली यूज़ कर रही हैं, तो आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगी उसके लिए
आपको फिक्सिंग स्प्रे ले लें आप कोई भी, या वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फिक्सिंग स्प्रे ले लेंगे, जैसे मेरे पास इस वक्त जो है वो फिक्सिंग स्प्रे है मिस्ट्रोज वालों का, तो आप इसको फिक्सिंग स्प्रे को भी इस पर डायरेक्टली यूं करेंगे अपने ऐसे, ठीक है, देन यू कैन पिक, इसको पिक करेंगे आप और अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आपने ऐसे इसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। आप ज़्यादा भी इसको ले सकती हैं, इसका एक फ़ायदा ये होता है डायरेक्टली जब आप इसको अप्लाई करते हैं फिक्सिंग स्प्रे के साथ, तो ये आपके बेस को साथ ही साथ सेट भी करता जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने पेस्ट लेनी है, ये देखें, इस तरह से आपने पेस्ट लेनी है कि आपकी जो स्किन है उस पर वो स्टे करे, आप इसको थोड़ी देर के लिए यूं छोड़ देंगे, ठीक है। देन अब हम दोबारा से बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरे पास शेड है ग्लैमरस फेस का, तो शेड मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो वैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये शेड है मेरे पास GF2W। आई थिंक ये जो मीडियम फेयर स्किन टोन है उसके लिए पिंक अंडरटोन में शेड है। अगर आप काशीज़ की नहीं कर सकते अफोर्ड, आपको लगता है कि वो काफ़ी प्राइसी है और आप पिंक अंडरटोन में बेस बनाना चाहते हैं या पिंक बेस बनाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो ये पैनकेक है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको स्वैच करके इसका सारा वो दिखाती हूँ। इस पर भी मैंने वैसे ही फिक्सिंग स्प्रे जो है वो उसी तरह मैंने इस पर फिक्सिंग स्प्रे जो है सेटिंग स्प्रे वो लिया, और अच्छी खासी जो है इसकी अमाउंट लेके हम इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसका स्वैच देखें, इसकी एप्लीकेशन देखें, कितना खूबसूरत ये कलर आ रहा है, और कलर भी आपको फ़र्क पता चल रहेगा। अच्छा, जब आप यहाँ पे इस स्टेप में पहुँच जाती हैं तो देन आपको जो स्टेप चाहिए होता है उसमें आपने करना ये होता है कि आप इसको अपने जो भी आपका स्पॉन्ज है उसके साथ थोड़ा सा डैब डैब करके इसको अपने फेस पर एडजस्ट करेंगे। आज मैंने आपके लिए स्पेशली ये स्पॉन्ज लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। आप इसको इस तरीके से अपने फेस पे सेट करती जाएंगी। ये देखिए, ये आपकी जो बेस है वो सेट हो जाएगी अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से। तो ये तरीका है आपको इसको सेट करने का। नेक्स्ट जो है वो हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे। अगर आप देखें तो इसकी कितनी ज़बरदस्त पिगमेंटेशन है, कितना ब्यूटीफुली ये आपकी स्किन के ऊपर एडजस्ट हो गया। मैं तो समझ रही थी कि इसकी जो पिगमेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है या इसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज है। इसके साथ आप पार्टी मेकअप बेस भी बना सकती हैं। अगर आप इसकी कवरेज को ज़्यादा चाहती हैं तो आप सेकेंड लेयर भी कर सकती हैं स्प्रे की, फिक्सिंग स्प्रे दोबारा स्प्रे करेंगी अपनी पैन पर, और देन आप इसको, जैसे कि मेरा ड्राई हो गया है, मुझे लग रहा है कि ये ड्राई लग रहा है, और देखें आप देखें तो ये सही तरीके से सेट नहीं हो रहा। मैं मज़ीद स्प्रे लेके इस पर एक और लेयर करूँगी, तो आप एक अच्छी सी मज़ीद एक हैवी किस्म की ब्राइडल टाइप की बेस जो है वो भी इससे कट कर सकती हैं। तो जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाऊँगी, इसका रिज़ल्ट आप पहले भी देख चुके हैं मेरी वीडियो में, ट्रायल ऑन का रिज़ल्ट तो है ही अच्छा। देन आप इसको फिर सेट करेंगे अच्छे तरीके से किसी भी स्पॉन्ज की मदद से, कि मदद से मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, दोनों को इकट्ठा मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी अपनी बेस को लगाने के बाद थोड़ी देर बाद सेट करेंगे अपने पूरे फेस पे और इक्वली स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकती हैं कि बेस कितनी फ्लॉलेस बनी है। ग्लैमरस फेस का जो पैनकेक है वो हाईली रिकमेंड है, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है, बहुत अच्छी सी बेस इसने सेट कर दी है। तो आप इसको मेरे हाथ पर रिज़ल्ट इसका वाजिया तौर पर देख सकती हैं, बेस जो है फ्लॉलेस ही सेट हो जाएगी जैसे कि आपने मेरे हैंड पर देखा है, ठीक है। तो शेड क्या है इसका और ये सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में दिखा दिया, स्टेप भी बता दिए। अगर आप इसके ऊपर चाहें तो कॉम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैंने ये अभी नया ग्लैमरस का ही मंगवाया है, इसका शेड वही है, मैं अपनी बहुत सी वीडियो में शो कराती हूँ आपको, तो डेफिनेटली आप उसको इसके ऊपर से करेंगे और आपकी बहुत ही परफेक्टली फ्लॉलेस ही बेस बन जाएगी। अच्छा, अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है तो फिर आप बेसिक ट्रीटमेंट सिक्स ना यूज़ करें, आप डायरेक्टली भी अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँगी, अगर आप इसको स्पॉन्ज की वजह से ऐसे 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 करेंगी तो ये देखें अपनी जगह से हट गया, ठीक है, ये अपनी जगह से ऐसे, आपने इसको ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, इसको हल्के ऐसे डैबिंग मोशन में यूं यूं करके अपने फेस पे इसको डैप करना है। अगर आप यहाँ देखें तो वो देखें कितना फ्लॉलेस सा सेट हो गया है।
तो ये मेरी वीडियो थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे आपने कमेंट करके बता देना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और इससे रिलेटेड अगर शेड्स की कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। मैं आपके लिए शेड्स रेंज के मुताबिक जो भी आपके कलर के हिसाब से शेड्स यूज़ होंगे उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो चले मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।